Hey guys, good morning. Welcome back to our new vlog. तो फाइनली दो तीन दिन के बाद आज व्लॉग बना रहे हैं. आज थोड़ा मार्केट वार्केट का काम था तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग बना लेते हैं. यार बहुत दिन हो गए हैं तो इसलिए. और यहाँ पे तैयारी चल रही है गाइस, तैयारी चल रही है आलू के पराठों की. डाइटिंग का क्या सीन है, है? ये क्वेश्चन अगर आप अपने आप से पूछोगे तो ज्यादा बेहतर होगा. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक. आप कितनी कुछ नसीब हो के आटा लगा हुआ है यहाँ पे, ये बन रही है. एक्चुअली डाइटिंग का ये सीन है ना कि सामान नहीं लेके आए हम लोग दो दिन से, बस ऐसे ही थोड़ा सा किसी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए. तो बस आज जाएंगे सामान वामान लेने तो फिर कल से डाइटिंग शुरू करेंगे. yes. मेरी तो दूसरी और मेरी जिम की बात भी करके आनी है तो देखते हैं. मैंने जिम भी ज्वाइन करना है तो वो भी बात करके आनी है. फिर आराम से बढ़िया अपनी डाइट लेंगे. मेरी डाइट आने में भी टाइम है थोड़ा सा तो देखते हैं आज गाइस क्या क्या होता है और कैसे कैसे क्या क्या प्लान है आज हमारे बाहर जाने के. मतलब बाहर क्या जाना है, सामान लेके आना है मार्केट से. तो चलो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में नहा धो के फ्रेश होके. यहाँ पे अपना पराठे आ चुके हैं गर्मा गर्म, साथ में चाय एंड शेजवान चटनी एंड यशिका बत्रा. यशिका मैं क्यों बोलूँ यशिका बत्रा, खुद को इसको बोलना चाहिए यशिका दत्त. यशिका दत्त. चलो गाइस खाते हैं फिर मिलते हैं. गाइस फाइनली हम लोग नहा चुके हैं और ये देखो ये मेरे ये वाले बाल है ना, पीछे वाले बड़े हो गए. ये देखो मैंने ये वाले लटे निकाले क्योंकि मैंने अब बाल बड़े करने ना चोटी के लिए, तो ये वाले बाल बड़े हो गए तो ये अजीब से लग रहे हैं यार. देखिए जरा तो चोटी बनाओगे तो बाबू ये बढ़ेंगे ही, मैंने बताया था अभी आपको. और अगर आप इनको कटाओगे तो फिर शॉर्ट हेयर रखने पड़ेंगे. तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट सामान वामान ले आए. फाइनली मेरी डाइट का सामान लेने जा रहे हैं. अब मैं आपको गोलू मोलू ज्यादा दिन तक नजर नहीं आऊंगा. यहाँ पे भी लिपस्टिक लगा ली साफ करने के चक्कर में. लाली ने लगाई आज ऐसे लगा ले. सॉरी कंटेंट में बता दूंगी. तो चलो गाइस मिलते हैं आपसे मार्केट में. चलो करेगी एक गंजा गंजा हुआ पड़ा है. तू गंजा गंजा हुआ पड़ा है. तो गाइस अब बस हम आ चुके हैं अपनी स्कूटी के पास. हाँ तो ठीक है स्लो मोशन डाल देना. डालूंगी मैं गाड़ी में ना तो पेपर है ना कुछ है, सब कुछ क्यों? I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And I... हम लोग आ चुके हैं कहाँ से, मार्केट से. और हम लोग लेके आए हैं मार्केट से, क्या लेके आए हैं, हम लोग लेके आए हैं मार्केट से हमारा नया जूसर बजाज कंपनी का. ये है पूरी बात तो बताओ पहले. क्या बात बताऊं पूरी, मेरे को कितनी परेशानी होती थी. हाँ ये पहले ना हमारे पास ये था ब्लेंडर वाला जूसर, तो ये बेचारी इसमें निकालती थी जार में बड़े वाले में, फिर उसको छानती थी. तो छानने में इसको बहुत दिक्कत होती थी. तो एक दिन फिर हमने ये राय बनाई कि हम लोग जूसर लेके आएंगे. फिर हम लोग जूसर लेके आए. ठीक है चलो आओ जूसर के वो करेंगे अनबॉक्सिंग. जान क्या यार पहले अनबॉक्सिंग कर देना, मेरे को एक्साइटमेंट हो रही है. मैं खुद ही कर लूंगी रहने. पहले टमाटर दिखा दो गाइस, कितने प्यारे प्लीज ना जान वाले भाई. अबे टाइम टमाटर दिखाने क्यों, आपको देसी टमाटर नहीं मिलते ना गाइस. मैं आपको बता दूं मुंबई में देसी टमाटर नहीं मिलते. आज देखो कितने प्यारे प्यारे टमाटर, कितने क्यूट लग रहे हैं. बिल्कुल मेन होना काका पे गए हैं.
हो गया। अब मैं अनबॉक्सिंग करूंगी गाइस, चलो आओ गाइस अनबॉक्सिंग करते हैं। ये पहले इसको निकालना था, पहले पन्नी उतार देनी थी। तो यहाँ पे है हमारा नया जूसर जिसमें हम बनाएंगे जूस। ऐसे ऐसे हल्का सा पुश करना होता है। यशु मेरे को जूस निकाल के दिखाएगी। ये जूस निकाल गया आइस। चलो ये हाथ पता कैसे लग रहे हैं, ऐसे करके पता कैसे लग रही है, बाउंसर नहीं होते, तेरी कसम ऐसा लग रहा बाउंसर हो जैसे। एक बार दोबारा बैठियो, दोबारा करियो, सही में ऐसा लग रहा बाउंसर हो ना जैसे। गाइस कमेंट करके बता। ओ ले भाई साहब, जब दिखाइयो भाई साहब, दिखाइयो अपनी, ऐसे करके यू करके दिखाइयो। ये सारा फैट है गाइस, ये फैट है सारा। अब ये थोड़े दिन पतली हो जाएगी लेकिन हो गया। तो गाइस अभी हम लोग बैठ के ना बात कर रहे थे कुछ यशु की बचपन की, तो मेरे को इस पे ज्यादा ज्यादा प्यार आ गया, इसलिए ये ऐसे लेटी हुई है। मेरे को बहुत दया सी आ गई इस पे। मतलब अगर आप इसकी बचपन की स्टोरी सुन लोगे ना तो आपको ना मतलब जैसे जमीन है और एक आसमान है, इतनी दूरी है ना, उतना आपको डिफरेंस नजर आएगा, है ना। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं आपको एक नई डिश बनाना सिखाऊंगी जो मैंने इंदौर में देखी थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने इंदौर में ही देखी थी। तो अभी हम चलेंगे और बनाएंगे, और साथ में यशु बनाएगी पुलाव। अब मैं इसके साथ इसकी हेल्प कराया करूंगा किचन में। अभी मैंने गाइस को प्रॉमिस कर दिया कि मैं तेरे साथ तेरी किचन में हेल्प करूंगा, ठीक है। बट इन केस मेरा मेरी तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मेरे बिल्कुल नहीं बस की रहती। तो हेल्प नहीं करानी है ना, तो बस खड़े होना मेरे साथ। नहीं मैं आलू वाली वो बनाऊंगा ना, जो जो चीजें मेरे से हो सकती है वो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो बस खड़े रहेगा मेरे साथ। मेरी बच्ची को बुखार आ गया, मेरे को बहुत तेज प्यार आ गया, बहुत ज्यादा तेज प्यार आ गया। चल खड़ा, चल खड़ा हो, चल 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 जल्दी चल बाबू, चल ना तो गाइस आज मैं आप लोगों को एक डिश बताने वाली हूँ। जैसे कभी आप आलू के पराठे बनाते हो, या फिर आलू उबालते हो और उसमें आपके आलू बच जाते हैं, या फिर आप आलू उबाल के भी इनिशियली भी उसको बना सकते हो। आलू का चाट कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। उबले हुए आलू लेंगे स्वाद अनुसार, नहीं मतलब जितने बंदे हैं उसके अनुसार, और एक पैन रखेंगे गैस पे, जैसे मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, इसको गर्म होने देंगे, इस पे घी डालेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ दिखाऊंगा, रुक जाओ। तो गाइस सबसे पहले हम डालेंगे पैन पे घी, पैन को मुना देंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर ना चम्मच मार मार के ना इसको ये हल कर दिया है। कभी ये पैन नॉनस्टिक हुआ करता था, लेकिन अभी भी मैं इसको नॉनस्टिक में यूज करते हैं, करता है लेकिन बचा नहीं है नॉनस्टिक। और ना घी आपको इतना डालना है आलू को अच्छे से वो हो जाए। हाँ मतलब कि सिर्फ ये नहीं कि जरा से सिर्फ लगाना है, अच्छे से डालना है घी, क्योंकि तभी ही जो आलू में जो टेस्ट आएगा ना घी का वो होगा मजेदार गाइस। तो इसको हम क्या कर लेंगे, अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डाल देंगे आलू, और ये वाले जो आलू आप उबालोगे ना, ये थोड़े से ज्यादा उबल गए क्योंकि हमने तो किसी और चीज के लिए यूज में लिए थे, ये बच गए थे दो आलू। बट जब आप आलू यूज में लोगे ना तो ध्यान रखना कि ये आलू ना आधा कच्चा हो आधा पका हुआ हो, ठीक है। तो इसको हम तेल के बीच में डाल देंगे। अब हमारा जो ये पैन है ये बीच में से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है, तो इसलिए मैं साइड में डाल दूँ, ठीक है। आराम से छींटे ना लगे आपके ऊपर, हाँ आराम से धीरे 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 वो कलछे से कर लो, स्पून ले लो, साइड में कर दो इनको सबको, साइड में ऑयल है ना, इधर की तरफ काफ़ी ज़्यादा है, हाँ इधर है ना ये घी, हाँ इधर की तरफ करो ज़्यादा। अब इसको हम क्या करेंगे ना, रोस्ट करेंगे। किसको रोस्ट करेंगे, आलू को। मतलब रोस्ट करने से मतलब है हल्का हल्का ब्राउन कर लेंगे इसको,
ठीक है, अभी जब ब्राउन होंगे ना मैं आपको तब दिखाऊंगी। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने क्रिस्पी चाहिए। मेरे को ज्यादा क्रिस्पी पसंद है तो मैं थोड़ा सा और ट्राई करूंगी, बाकी आप इसको भी यूज में ले सकते हो इतने को भी। तो अभी मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ा और क्रिस्पी करने के बाद। चोटी वो दिखा रही है मेरी? नहीं दिखाया मैंने चोटी, मैं वो डिस्टर्ब कर रहे थे बारिश में, मैंने बांध लिए। बहुत सेक्सी लग रहे हैं। सही नहीं, सेक्सी लग रहा है। ना वो थोड़े छोटे हैं ना, अभी बढ़ जाएंगे फिर और प्यारे लगेंगे। और आपको अच्छा दिखने के लिए किसी चोटी बालों किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। यू नो यू आर वेरी ऑलरेडी वेरी हैंडसम। तो गाइस रेडी है सब कुछ, अब हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। और इसका घी जो पड़ा हुआ है इतना इतना इस पे वो छोड़ देंगे। अच्छा यस, वो आप सब्जी में रोटी में यूज में ले सकते हो, वेस्ट नहीं होगा वो। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, मिर्ची स्वाद अनुसार, धनिया स्वाद अनुसार, उसके बाद ये है अपना चाट मसाला, ये भी स्वाद अनुसार। उसके बाद मेन जो इसका है वो है नींबू, तो ये भी हम डाल देंगे अपने, बस बहुत ज़्यादा खट्टा मत करो जान, स्वाद के अनुसार। और इसको कर लेंगे मिक्स। इसमें कोई चटनी वटनी मिक्स नहीं करनी होती? कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप इसमें प्याज टमाटर भी मिक्स कर सकते हो, आपको जैसे पसंद हो आप वैसे खा सकते हो, बट मेरे को सिंपल पसंद है तो मैं सिंपल ही बनाती हूँ इसको। अब जैसे हमारे पास ये थोड़ी चटनी है तो हम ये चटनी भी इसमें मिक्स कर लेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है डुबू इसमें। बेटे बनाया किसने बेटे? तो गाइस ये है अपनी यू नो आलू की चाट, अब हम इसको करेंगे ट्राई। जान से मार से कर लेते हैं, फर्स्ट बाइट आपके लिए। चढ़ा कैसे लग रही है जान? मजा आ गया। एबा खा के देख। रुक जा, इधर से आ, तेरा एक्सप्रेशन देखने मेरे को, जल्दी खा। ये एक्सप्रेशन ही नहीं दिए, क्या कर रही है कुत्ती? मेरे को दे, मैं मुक्का मार दूंगी। बाबू प्लीज यार, ये कोई बात है क्या यार? मैंने बनाया, मेरे को दे। बाबू यार, ये कोई बात है क्या? प्लीज दे, छोड़ो कुत्ती कहीं की। बता अब, बोल अब बोल। खा के मिलते हैं, बहुत टेस्टी, ठंडा होके टेस्टी मिलेगा। बाय बाय। तो गाइस फाइनली अपने आ चुके हैं चावल पुलाव मतलब, और साथ में है यशु ने बनाया है रायता, वो भी छुका हुआ राई में। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो ये भी हम दे सकते हैं, कमेंट करके बता देना, एंड साथ में अपनी चटनी। तो अब खाते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में। उसमें से लगा ले, दोनों साफ ही है वो। तो गाइस फाइनली वो दिन आ चुका है और अभी मैं जा रही हूँ जिम की बात करने के लिए, सिर्फ अपने लिए, क्योंकि यशु तो अभी डाइट से ही लूज करेगी और मेरे को अपने यू नो मेरे हाथ थोड़े थोड़े मोटे होने लग गए, तो मैं फायदा उठा रही हूँ चीज़ का। तो अभी अपन जिम जाएंगे और जिम से अपन करेंगे मसल गेन। चलो पास में ही है जिम, देखते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं जिम की बात करके और पोपट भी करा के। हम लोगों ने एक जगह पे बात की तो वहां पे हमको थोड़ा सेटिस्फेक्शन सा नहीं मिला। वो बंदे, उस बंदे के वर्ड्स ने इतना डिमोटिवेट कर दिया। हाँ। ना जिम क्यों करता है? जिम हाँ। तो बंदा घर पे भी कर सकता है, लेकिन बेसिकली जो बंदे का मोटिव होता है जिम करने का वो ये होता है कि आपको जो आपका ट्रेनर है वो मोटिवेट करे, वो उससे आपको मोटिवेशन मिले। लेकिन उस बंदे ने जिस तरीके से बात की ना, मतलब उसके शब्दों में जान नहीं थी भाई साहब। बोलते चप्पल बाहर खोल के, वो कहते चप्पल बाहर निकाल दो, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा आप इधर आ जाओ। फिर वहाँ पे म्यूजिक था ना, तो फिर वो कहता है कि बात इधर आके बात करनी है। तो फिर मेरे को एक्चुअली ना चप्पल खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे पैरों में रेत लगता है ना, फिर मेरे को पैरों में ना ऐसे एलर्जी टाइप हो जाती है, ईचिंग बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मैं स्लीपर्स नहीं खोलती अपनी। तो वैसा कुछ था कि यार वो चप्पल वाली बात तो एक कोई बड़ी बात नहीं है। कि हम लोग ना दूसरी जगह पे जा रहे थे, मैंने कहा चल कोई और जिम पे चलते हैं। तो जिस रास्ते से हम लोग गए थे ना जिम पे, वो थोड़ा दूर था, तो जिस रास्ते से हम ज्यादा अमीर हो गए हैं, पंखे खोल खोल के लाइट खोल खोल के जा रहे हैं। आप बंदी नहीं कर रहे हो, पकड़ो इसको, नहीं कर रहे हो, सारी लाइटें जला रखी है दुनिया जहां। तो है ना वो क्या बोलते हैं कि हम जिस रास्ते से गए थे ना,
वहां पे पहुंच गए, हमने देखा वो बहुत ही बड़ा, मतलब जिम नहीं था वो, वहां पे एक्चुअली बहुत सारी चीजें होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं वहां पे, वो बहुत खुले में था। तो मैंने कहा चल यहाँ से वापस चलते हैं, जिस रास्ते से गए थे ना उस रास्ते से नहीं आए हम लोग, हम लोग आए गूगल मैप के थ्रू। वो पता नहीं वो गूगल मैप हमको, मतलब आप ही समझ लो कि हम गए इधर से थे और हम आए इधर से, ऐसा हो गया हमारे साथ। दिखाइयो तू इसको, खोले भाई अपन एक वो करते हैं, क्या करते हैं तू इसको पानी को, जैसे ये है ना इसको सिर्फ मुझे यूं करके पीना है, पी सकती है मतलब ऐसे जैसे। कैसी रही फिर नाक में घुस गया, नाक में घुसा गया बता दो तेरे, हमेशा ऐसी हरकतें करने में पता नहीं क्या मजा आता है बंदे को। बाबू मैं नहीं, कोई कुछ नहीं, फेसबुक पे देखती हूँ ना मैं, फेसबुक पे सब चलता रहता है, कोई जहर देने की प्रक्रिया क्यों नहीं देख लेते हो फेसबुक पे तुम? नाराज हो गई लड़की हमारी, हटो मेरी बेटी, आ जा मिलते हैं थोड़ी देर में पिट के। फाइनली आज हमने मंगाया है पिज्जा हट, आज इस मंथ की ये लास्ट मैदे वाली मील है बस, इसके बाद कुछ नहीं। आज हम बहुत टाइम बाद खा रहे हैं पिज्जा हट, और पिज्जा हट का कुछ इस कुछ अलग मंगाया आज हमने। ये क्या हो गया, पोपट हो गया, पोपट नहीं हुआ। ये है गाइस मोमोज पिज्जा, एंड ये हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसा होता है। सबसे पहले खाएगी यशु, मेरे में चिली फ्लेक्स कम डालना था, निकलता हुआ। ओके मोमोज की तरफ से खाना, ठीक है। ओके ओके ओके, ये गया मुंह में, ये बात कैसा है दिखाना फीलिंग इसकी। तो ये है मोमोज की फीलिंग, कैसा है? सही सही, मोमो वाला टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है इसमें, पिज्जा वाला ही है। तो चलो गाइस, अंदर गार्लिक की फिलिंग कर रखी है इन्होंने। तो गाइस इट्स जस्ट की मैं आपको दिखा देती हूँ विद प्रूफ, ये देखो पकड़ दिखाना एक बार मेरा ये खाते, ये छोड़ कच्चा दिखा, ये देखो मोमोज, ये देखो बिल्कुल टोटली मैदा है, ये देखो मैदा और कच्चा पड़ा है। मोमोज डाले हुए ना वो बिल्कुल कच्चे हैं, और मुझे तो इवन पिज्जा भी अंदर से कच्चा लग रहा है। पिज्जा इसलिए कच्चा है ना क्योंकि इन्होंने इसी में ये अंदर ये डाल रखा है। हाँ, तो जो जो इसका ये वाला हिस्सा है ना ब्रेड का, हाँ, जो मैंने निकाला है अभी, ये मैंने ब्रेड का हिस्सा निकाला है, ये भी टोटली कच्चा ही है, यहाँ से निकाला है ये। तो हम कभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे ये कि आप पिज्जा हट का ये वाला पिज्जा खाओ, स्पेशली मोमो पिज्जा। हालांकि इतने बुरे पिज्जा नहीं होते पिज्जा हट के, मैंने ट्राई किया है अनियन कैप्सिकम या फिर आपका ये जो आता है बेबी कॉर्न, बट ये जो है ना ये बहुत ज्यादा खराब था, सीरियसली मन सारा खराब हो गया जी। और पहले तो हमारा पोपट हो गया, पहले मैकडोनल्ड से हमने कुछ मंगाया था वो कैंसिल कर दिया, से मंगाया था कि मैकडे से खाएंगे आज मील खाएंगे, वो कैंसिल हो गया, और ये वाला कोई नहीं। चल वीडियो एंड कर दे फिर आज व्लॉग इसी बात पे। तो गाइस आप आज हमने दो दिन के बाद व्लॉग शूट किया है, और आपको कमेंट करके बताना है व्लॉग कैसा लगा आपको। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, मैं यहाँ पे रिवील नहीं करूँगी कि नेक्स्ट क्या आने वाला है, बट डेफिनेटली ऐसा कुछ करने वाले हैं जो इंडिया में तो किसी ने नहीं किया होगा। तो इंतजार रहिए, इंतजार में रहिएगा आप लोग भी, हम लोग भी, और हेटर्स को बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगा। हेटर्स तो मैं कह रही हूँ कि कहेंगे कि भैया जहर खा के मरो ना, और हो सकता है कुछ सपोर्टर भी कह दे कुछ कुछ जो मतलब कम प्यार करते हो। अगर आप फनी वे में लेके जाओगे, इंजॉय करते हो, हमें देखना पसंद करते हो, तो आप डेफिनेटली इंजॉय करोगे।
बाकी हेटर्स का मेरे को कुछ पता नहीं है, नो कमेंट्स, में कुछ नहीं कहना चाहती। हेटर्स वेटर्स कुछ नहीं होते यार, अपनी अपनी सोच होती है, तो हम उनको थोड़ा अलग तरीके से रख देंगे, कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो गाइज बस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आज का बस इतना ही, आई होप आपने इंजॉय किया होगा। चैनल पे नए पुराने जो भी हो सब्सक्राइब कर देना, मकबैन पे सब्सक्राइब जरूर कर देना, उस पे अब रेगुलरली वीडियोस आएंगी, और यहाँ पे भी इस चैनल पे आपका बहुत सारा प्यार चाहिए, बहुत ज्यादा वाला, बहुत ही ज्यादा वाला, मतलब ज्यादा ज्यादा वाला। तो गाइज सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। गाइज शेयर तो बिल्कुल करना ही है आपको, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।